हेलो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अकाउंटेंसी इलेवंथ में गवर्नमेंट ने क्या हटाया है सी ने सो सबसे पहले चैप्टर फाइव बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर पूरा हट चुका है अगला है चैप्टर एट इसमें से दो टॉपिक्स हटाए एट पॉइंट नाइन और एट पॉइंट टेन एट पॉइंट नाइन है रीनअल ऑफ द बिल एंड एट पॉइंट टेन है रिटायरिंग ऑफ द बिल नेक्स्ट चैप्टर 11 से 11.4 कंप्लीटली हटा दिया गया है जो कि है प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से हटाया है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नेक्स्ट यूनिट फोर जो कि चैप्टर ट्वेल्व के बाद है इसमें से हटाया है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग इसमें दो टॉपिक्स हैं काफ़ी टॉपिक्स हैं तीन टॉपिक्स पर्टिकुलरली हैं जिनके सब पार्ट्स भी हैं सो so, पहला है इंट्रोडक्शन टू तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ए आई एस एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक जो हटाया है वो है स्टेजेस इन ऑटोमेशन इसमें से चार टॉपिक्स हटाए हैं पर्टिकुलरली सो पहला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें जो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है उसमें से जो सॉफ्ट सॉफ्टवेयर हटे हैं वो हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टेलर मेड सॉफ्टवेयर जेनरिक कंसिडरेशन बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टॉपिक जो हटा है वो है क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप्स एंड हाईआर की अगला जो हटा है वो है जेनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आशा करती हूँ आप अपने घर में कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं नेक्स्ट uh, टॉपिक हम जल्दी लाएंगे टिल दैट टाइम प्लीज स्टे ट्यून्ड डू लाइक आर वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल